श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, फैकल्टी ऑफ कामेश्वर राव। टुडे माय टॉपिक इज नेस्टी ईमेल टैक्स पार्ट वन। कंटेनर टैग एक प्रकार का ऐसा टैग होता है जिसमें हम एक ओपन टैग लेते हैं, बीच में एलिमेंट लिखते हैं, एंड टैग लगाते हैं विथ फॉरवर्ड स्लैश। ये हमारा कंटेनर टैग होता है। इसमें हम टैग लगाने के बाद फिर जो एलिमेंट मेंशन करते हैं उसके बाद फिर हम कुछ कंटेंट लिखते हैं, जैसे कुछ जगह पे इमेज लिए, टेक्स्ट लिए, टेबल लिए, ग्राफ लिए, एनिमेशन लिए। इन दोनों टैग के बीच में हम अपने जिस वेब पेज को क्रिएट करना चाहते हैं वो कंटेंट लिखते हैं, इसलिए हमें इसे कंटेनर टैग कहा जाता है। चलिए आगे मैं आपको और परिभाषित करता हूँ। हेडिंग टैग इट इज़ यूज टू डिफाइन द हेडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। यह एक प्रकार का हेडिंग होता है। HTML में हेडिंग को डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग टैग दिए गए हैं जिसे हम हेडिंग डिसाइड करते हैं कि ये इन किस प्रकार का हेडिंग HTML में अपने पेज पे मेंशन करना है। इन HTML सिक्स टाइप ऑफ हेडिंग्स इन HTML डॉक्यूमेंट। छह प्रकार का हमको HTML में HTML लैंग्वेज में हेडिंग दिया गया है। सेंटेक्स और कोड मैंने मेंशन किए हैं। H1 से H6 तक का हमने यहाँ पे टैग लिए हैं, क्लोज एंड ओपन टैग और एंड टैग के बीच में स्टेटमेंट लिखे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे हमने टैग के बीच में हमने हेडिंग लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये ब्राउज़र में अलग अलग फॉन्ट शो करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए H1 टैग 35 के साइज़ पे मेंशन होगा और H6 टैग यानी हेडिंग 6 हमको 10 के फॉन्ट में MS ऑफिस में शो करता है, उसी हिसाब से ब्राउज़र पे शो करेगा। पैराग्राफ टैग इट इज़ यूज टू डिफाइन पैराग्राफ कंटेंट इन HTML डॉक्यूमेंट। ये पैराग्राफ डिफाइन करता है। पी टैग ओपन करेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे, पी टैग को क्लोज करेंगे, पैराग्राफ को वहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे ब्राउज़र पे। सेंटेक्स देखिए, पी टैग लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, पी टैग क्लोज किए, कोड देखिए, पी टैग चालू किए, पी टैग कोड एग्जांपल इन HTML है ना, पी टैग को क्लोज़ किए हैं, इस प्रकार का कोड लिखेंगे अपने एडिटर पे, HTML एडिटर पे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पी टैग ले, मैंने एक पी टैग मेंशन किया यहाँ पे एग्जांपल के जस्ट नीचे और मैंने कुछ पैराग्राफ मेंशन किए हैं और मैंने पी टैग को क्लोज़ किया। इसके पश्चात लिखते हैं एम्फेसाइज टेक्स्ट में डेफिनेशन ये है इस प्रकार का, इट इज़ यूज टू रेंडर्स एज एम्फेसाइज टेक्स्ट इन HTML डॉक्यूमेंट। ये एम्फेसाइज टेक्स्ट नथिंग बट इट इज़ ए टाइप ऑफ अ इटैलिक फॉन्ट, इटैलिक टेक्स्ट। यह इटैलिक टेक्स्ट को दर्शाता है। इन अनदर वर्ड इट इज़ वन टाइप ऑफ इटैलिक कंटेंट इन HTML डॉक्यूमेंट। यह एक प्रकार का इटैलिक फॉन्ट शो करता है। सेंटेक्स इस प्रकार से है, EM टैग सेंटेंस स्टेटमेंट EM टैग को क्लोज किए, कोड यहाँ पर लिखे हैं, EM टैग चालू किए, एम्फेसाइज क्लोज किए हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिस इज टेक्स्ट विल, EM टैग मैंने चालू किया, डिस्प्ले लाइक एज अ इटैलिक टेक्स्ट, EM क्लोज किए इन ब्राउज़र। जब आउटपुट आपको आएगा इस प्रकार से, यहाँ पर डिस्प्ले लाइक एज ए इटैलिक टेक्स्ट यहाँ पर इस प्रकार से शो हो रहा, वैसे ही ब्राउज़र पर शो होगा। आगे देखते हैं बोल्ड टैग। बोल्ड टैग का वर्क होता है, इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई बोल्ड एलिमेंट इन HTML डॉक्यूमेंट। यह एक बोल्ड टैग के रूप में, बोल्ड टेक्स्ट के रूप में ब्राउज़र पर शो होता है। इन अनदर वर्ड इट इज़ वन टाइप ऑफ अ बोल्ड फॉन्ट इन HTML डॉक्यूमेंट। ब्राउज़र पर बोल्ड फॉन्ट डिस्प्ले होगा, जैसे हमारे MS ऑफिस पे बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, उसी प्रकार से ब्राउज़र पे बोल्ड टेक्स्ट को मेंशन करने के लिए बी टैग यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं इसका सेंटेक्स इस प्रकार से है, बी टैग लिए, स्टेटमेंट लिए, बी टैग को क्लोज़ किए, कोड इस प्रकार से है, बी टैग चालू किए, ओपन सॉरी बी टैग कोड लिखे,
और यहाँ पे स्टेटमेंट की जगह पे मैंने यहाँ पे बी टैग कोड लिखा, क्लोज किया मैंने बी टैग से। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, दिस टेक्स्ट विल बी टैग ओपन किया, डिस्प्ले लाइक एज अ बोल्ड, बी टैग क्लोज किया इन ब्राउज़र। आपको आउटपुट इस प्रकार से आएगा, डिस्प्ले लाइक एज अ बोल्ड टेक्स्ट। अभी यहाँ पे एग्जांपल के टेक्स्ट और डिस्प्ले के टेक्स्ट में डिफरेंस हो रहा है, यानी आपका डिस्प्ले लाइक अ बोल्ड टेक्स्ट बोल्ड दिख रहा है आउटपुट पे। आगे देखते हैं इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक, इट इज़ यूज टू रेंडर्स एज अ इटैलिक एलिमेंट इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। यह भी इटैलिक टाइप का ही एक डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले होता है। आगे देखते हैं इट इज़ अनदर, सॉरी, इन अनदर वर्ड इट इज़ वन टाइप ऑफ अ इटैलिक फॉन्ट इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। यह भी एक इटैलिक टाइप का ही है ना टैग होता है, बट यहाँ पे इटैलिक टैग कुछ ज़्यादा यूज़ होता है, ईएम टैग कम यूज़ होता है। दोनों का वर्क एक जैसा है, ईएम टैग और बोल्ड टैग, सॉरी इटैलिक टैग, दोनों सेम होते हैं, वर्क सेम होता है इन द सेंस। सेंटेंस इस प्रकार से, मैंने एक टैग लिया आई टैग, स्टेटमेंट लिखा, टैग क्लोज किया, कोड मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, आई टैग लिए, इटैलिक टैग, सॉरी इटैलिक टैग कोड लिए, इटैलिक को क्लोज किए। एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, जब आउटपुट लेते हैं तब यहाँ पे इटैलिक के रूप में शो होता है, डिस्प्ले लाइक एज ए इटैलिक टेक्स्ट। आगे देखते हैं अंडरलाइन टेक्स्ट। अंडरलाइन नथिंग बट इट इज़ ए टाइप ऑफ अंडरलाइन। ये अंडरलाइन मेंशन करता है ब्राउज़र पे। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई अंडरलाइन फॉन्ट इन अ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। देखिए, इन अनदर वर्ड इट इज़ वन टाइप ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। जैसे कि हमारी एमएस ऑफिस में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का रोल होता है, उसी प्रकार से हमारे ब्राउज़र में हमको टेक्स्ट मेंशन करने के लिए बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का टैग लगाना पड़ता है, जो उस हिसाब से हमारे एचटीएमएल ब्राउज़र पे, सॉरी हमारे ब्राउज़र पे वो शो होता है, बोल्ड में, इटैलिक में या अंडरलाइन में। सेंटेक्स इस प्रकार से है, मैंने सेंटेक्स यहाँ पे लिखा, यू टैग लिया, स्टेटमेंट लिखा, यू टैग क्लोज किया, कोड इसी प्रकार से है, यू टैग लिया, यू टैग का एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया, टेक्स्ट यू टैग क्लोज किया। एग्जांपल इस प्रकार से है, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा जहाँ पे डिस्प्ले लाइक एज अ अंडरलाइन, जब आपको आउटपुट प्राप्त होगा इस प्रकार से, डिस्प्ले लाइक एज अ अंडरलाइन, ये प्रदर्शित हो रहा है जैसे कि एग्जांपल में मैंने मेंशन किया है। आगे देखते हैं स्मॉल टैग। स्मॉल टैग होता क्या है, इट इज़ यूज टू सेट एज अ स्मॉल फॉन्ट इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ब्राउज़र पे हमको स्मॉल टेक्स्ट मेंशन करना है, जैसे कि टेंथ लिखते हैं, टेंथ के बाद में बाजू में है ना एक टेक्स्ट रहता है TH, है ना, सेकंड में जैसे टू लिखे, ND लिखे, तो ये टेक्स्ट इस प्रकार से मेंशन करने के लिए हमको स्मॉल टैग देना पड़ता है। आफ्टर यूज दिस टैग इट विल बी शोइंग लाइक अ स्मॉल टेक्स्ट पर्टिकुलर टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में पर्टिकुलर टैग मेंशन करने के बाद वो टेक्स्ट हमारा स्मॉल प्रदर्शित होता है, जैसे कि 12th TH, 2nd ND। सेंटेक्स इस प्रकार से है, मैंने यहाँ पे स्मॉल टैग लिया, स्टेटमेंट लिखा, टैग क्लोज किया, कोड इस प्रकार से हैं, जहाँ पे स्टेटमेंट है वहाँ पे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस मेंशन किया है। एग्जांपल लेते हैं इस प्रकार से, मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर एक सेंटेंस लिया है, आउटपुट जब हमको प्राप्त होगा डिस्प्ले लाइक एज अ स्मॉल टेक्स्ट, हमको यहाँ पे ब्राउज़र में इस प्रकार शो होगा, जैसे कि आउटपुट यहाँ पे शो कर रहा है। आगे देखते हैं कमेंट टैग। कमेंट टैग नथिंग बट कमेंट करने का मतलब ये है, इट इज़ यूज टू डिफाइन सेट द फ्यू कोड्स कमेंट इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। हमको कोई कोड को, हम उस कोड को डिलीट नहीं करना चाहते हैं और वो कोड वहाँ पे रहे, तो हम कमेंट टैग यूज़ करते हैं। दिस इफ़ द टैग इज़ यूज दैन द पर्टिकुलर थिंग विल नॉट डिस्प्ले ऑन द ब्राउज़र। वो कोड वहाँ पे एडिटर से डिलीट नहीं होगा, बस वहाँ से हाइड हो जाएगा, वो कंटेंट वहाँ पे विजिबल नहीं होगा। एक सेंटेंस लेते हैं, सॉरी सेंटेक्स लेते हैं, इस प्रकार से मेंशन करते हैं, कोड इस प्रकार से है, यहाँ पे सेलेक्ट कोड इन एचटीएमएल सॉफ्टवेयर। यहाँ पे मैंने इस प्रकार से एक सेंटेंस मेंशन किया है, इफ़ यानी पे मैंने टैग लगाए हैं, कमेंट टैग लगाने के बाद, इफ़ मेंशन टैग दिस टैग सेलेक्ट कोड विल नॉट विजिबल इन ब्राउज़र, आपको आउटपुट इस प्रकार से प्राप्त होगा, ये कोड डिलीट नहीं होगा, वहाँ पर विजिबल नहीं होगा ब्राउज़र पे। आगे देखते हैं उसके बाद है एंकर टैग। एंकर टैग नथिंग बट इट इज़ यूज टू रेफर लाइक एज अ
लिंक इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, यह लिंक के रूप में प्रदर्शित होता है। इस वर्किंग लाइक का जंप ऑन वन पेज टू अनदर पेज इन ब्राउज़र, एक पेज से दूसरे पेज जंप करने के लिए लिंक टैग का उपयोग करते हैं। एक सेंटेक्स लेते हैं, इस प्रकार से मैंने एक टैग लगाया है, ARF URL डाला, अबाउट दिस URL ब्रांड नेम जो आप मेंशन करना चाहते हैं, मैंने टैग क्लोज किया। कोड इस प्रकार से है, यहाँ पे मैंने ARF टैग लिया, http://sru.raipur.ac.in, मैंने एक URL मेंशन किया, श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी, टैग क्लोज किया, SRU रायपुर, मैंने एक टेक्स्ट लिया अपने एडिटर पे, टैग क्लोज किया। इसके पश्चात एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक कोड लिखा है, इस कोड इस प्रकार से है, ठीक। एक ARF टैग लिया मैंने, यहाँ पे URL से कोड कॉपी करके यहाँ मेंशन किया, उसके बाद मैंने टैग क्लोज किया, ओपन SRU रायपुर वेब पेज, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा। आउटपुट देखते हैं, टैग क्लोज करने के बाद आउटपुट देखते हैं, आफ्टर क्लिक दिस टेक्स्ट SRU रायपुर HREF URL विल स्टार्ट SRU वेब पेज इन कंप्यूटर ब्राउज़र, डायरेक्ट हमारा यहाँ टेक्स्ट SRU रायपुर रिएक्ट होगा SRU.raipur.ac.in में, और कंप्यूटर के ब्राउज़र पे हमारा एक नया ब्राउज़र चालू हो जाएगा जिस पे SRU रायपुर का वेबसाइट शो होगा। उसके बाद इमेज टैग, इमेज टैग नथिंग बट ये इमेज को शो करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इट इज़ यूज टू ऐड इमेज एलिमेंट इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, इमेज को शो करने के लिए यहाँ पर इमेज टैग यूज़ करते हैं। जैसे हमारे श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी में रावतपुरा SRU यूनिवर्सिटी का लोगो मेंशन होता है, उसी प्रकार से हम इमेज टैग यूज़ करने पर वह इमेज डिस्प्ले होता है। सेंटेक्स मैंने इस प्रकार से मेंशन किया, इमेज टैग लिया, कोड मैंने इस प्रकार से मेंशन किया इमेज SRC इक्वल टू, मैंने यहाँ पे मेंशन किया, बट इमेज ऑफ लोगो विथ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन होना जरूरी, अदरवाइज वह शो नहीं करेगा। एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, ऐसा यहाँ पे मैंने लिया है, जैसे कि इमेज टैग SRU_logo.png, यहाँ पर png दर्शा रहा है कि वो एक png टैग का इमेज है, यहाँ पर SRU_logo.jpg भी मेंशन कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली .png एक्सटेंशन या .jpg एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है और लोगों को ब्राउज़र पे मेंशन किया जाता है। मैंने यहाँ पे .png यूज़ किया है, आप चाहे तो SRU_logo.jpg भी यूज़ कर सकते हैं। आउटपुट इस प्रकार से है, ये मैंने आउटपुट लाया यहाँ पर, SRU लोगो डिस्प्ले इन ब्राउज़र, सॉरी डिस्प्ले इन द ब्राउज़र, इस प्रकार से शो होगा। आगे देखते हैं आपका हॉरिजॉन्टल रूल, हॉरिजॉन्टल रूल टैग, यह एक प्रकार का लाइन मेंशन करने के लिए उपयोग किया जाता है हमारे ब्राउज़र पे। सिंटैक्स इस प्रकार से है, सिर्फ एक सिंगल HR टैग बनता है, कोड भी इसी प्रकार से सिर्फ सिंगल HR कोड बनता है। ब्रेक टैग, ब्रेक टैग भी इस प्रकार से होता है, एक लाइन से एक लाइन इंसर्ट लाइन लाने के लिए, इट इज़ यूज टू इंसर्ट सिंगल लाइन ब्रेक इन द टेक्स्ट, एक टेक्स्ट दूसरे के बीच में हमको ब्रेक टेक्स्ट के लिए उपयोग करते हैं, ताकि एक टेक्स्ट दूसरे के बीच में हमको एक ब्रेक चाहिए रहता है। कोड सेंटेक्स इस प्रकार से है, सिंगल ब्रेक टैग रहेगा, कोड भी इसी प्रकार से रहेगा, सिंगल ब्रेक टैग रहेगा। आगे देखते हैं लिंक टैग, लिंक टैग इस प्रकार से, इट इज़ यूज टू लिंक टेक्स्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, लिंक टेक्स्ट को इस प्रकार से मेंशन किया जाता है। सेंटेक्स इस प्रकार से है, उसी प्रकार से कोड इस प्रकार से है, है ना, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, लिंक टेक्स्ट कोड एग्जांपल इन HTML। एग्जांपल देखते हैं, इस प्रकार से एक हेड लिए, लिंक रेफ लिए, यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखे हैं जो मैं आपको आगे के एक टॉपिक्स में बताऊँगा, है ना, style.css, इस प्रकार से लिंक मेंशन करते हैं, तब हमारा लिंक चालू होता है और CSS के जितने भी स्टाइल कैस्केडिंग स्टाइल शीट फाइल के एडिंग फाइल्स को यहाँ पे HTML फाइल में मेंशन करते हैं। दिस इज़ इंट्रोडक्शन अबाउट बेसिक फ्यू HTML टैग पार्ट 1।
मैं आगे के पार्ट्स में टैग टू में आपको सॉरी टैग पार्ट टू में आपको और भी आपको एग्जांपल्स लेकर के आऊँगा. थैंक यू ऑल.